अब राज्य सरकार का 2 साल पूरा होने जा रहा है, तो एक बार समीक्षा होनी चाहिए राज्य सरकार के जो कार्यकलाप हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कई काम कर रहे हैं जो अच्छे काम हैं, कई काम ऐसे भी हो रहे हैं जिस काम को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो नीतिगत विषयों पर सरकार की एक धारा बननी चाहिए जिसके कारण से नौजवानों को रोज़गार मिले, और नौजवान जो इम्तिहान देकर 5 साल बैठे रहते हैं, नियुक्ति नहीं होती है, वो ऐसी निराशा युवा पीढ़ी के मन में नहीं आए। तो मैंने आग्रह किया राज्यपाल जी से कि थोड़ी पहल इसमें होनी चाहिए कि नीतिगत रूप से राज्य के विकास के लिए जो काम होने वाले हैं, राज्य की जो वित्त व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए जो काम होने वाले हैं, इनके बारे में एक आम राय बननी चाहिए सबकी कि ये कदम राज्य के विकास का कदम होगा। कि लीज क्षेत्र से बाहर एक छटाक भी माइनिंग का मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उसके लिए राज्य की सरकार का चालान चाहिए जी। अब जितना भी कोयला पिछले 2 साल से रेलवे के चतरा ज़िले में स्थित शिवपुर साइडिंग पर जा रहा है, मुझे सूचना मिली है कि कोई चालान नहीं दिया जा रहा है। अब खान विभाग का जिम्स पोर्टल चालान जारी करता है, CCL कोयला का खनन कर रहा है, तो इन दोनों को पता है कि शिवपुर साइडिंग से जा रहा है, रेलवे से देश के किस कोने में जा रहा है। तो मैंने ही कहा कि रेलवे से पूछा जाना चाहिए कि बिना चालान के आपने परिवहन किया साहब, खान विभाग के जिम्स पोर्टल से चालान कैसे नहीं जारी हुआ और बिना चालान के CCL ने कैसे अलाउ किया जाना। तो इसमें महीने में 35-40 करोड़ रुपए का नुकसान राज्य की सरकार को हो रहा है, इसलिए मैंने ट्वीट किया और मैं विधानसभा में इसके बारे में सवाल भी डालने जा रहा हूँ। जाँच CBI से भी कराने की, केंद्र सरकार का संगठन है CCL, उनकी कंपनी है, तो CBI का तो स्वाभाविक रोल बन जाता है। CBI को तो सूचना मिलते ही इसके बारे जानकारी लेनी चाहिए और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए। जिम्स पोर्टल उनका, इसका मतलब कि जिम्स पोर्टल सही तरीके से नहीं चल रहा है और इसके कारण से राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको हम नियुक्ति वर्ष मानेंगे और छिटपुट नियुक्तियों की बात भी आते रहती है, सवाल है इसके लिए नीति बनाने की। अभी जो नीति बनी या पहले भी जो नीतियाँ बनी हैं वे नीतियाँ उदारतापूर्वक नहीं बनती हैं। एक समाज के एक सेक्शन को छांट दो, दूसरे सेक्शन को प्रमुखता दो, मन में इस दोष के साथ नीतियाँ बनती हैं। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, लोग कोर्ट में जाते हैं, खारिज होता है मामला। अभी जो नीति बनी है, मैंने इस पर भी ट्वीट भी किया था और कहा भी था कि ये नीति भी दोषपूर्ण है, पक्षपात करने वाली है। सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति है बाहर से के स्कूल से पढ़ के आएगा, आप उसको यहाँ नौकरी नहीं देंगे, और आरक्षित श्रेणी को आप नौकरी दे देंगे तो संविधान कैसे इसको अलाउ करेगा, वो कोर्ट में जाएंगे, आज कोर्ट ने संज्ञान लिया उसका। तो हम जो नीतियाँ बनाएं वो नीतियाँ समावेशी होनी चाहिए, समाज के हर तबके में जो योग्य हैं उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। ये अगर हमारी नीयत में नहीं आएगा, उदारतापूर्वक हम काम नहीं करेंगे तो सबसे नुकसान राज्य के युवकों का होता है, इम्तिहान हो जाता है। कई बार तो एक नियमावली पर परीक्षा हो गई, रिजल्ट निकल गया, नियुक्ति बाकी है और सरकार ने दूसरी नियमावली बना के उसको रद्द कर दिया। साहब उस नियमावली पर जो हुआ उसको हो जाने देते, अब बेहतर नई नियमावली बनाते, नए सिरे से नियुक्ति करते। तो ये सरकार के काम काज का जो तरीका है उस तरीके पर सरकार को अपने समीक्षा करनी चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जो घोषणा कर रहे हैं नियुक्ति वर्ष का, ये सफल हो जाए तो सबसे अधिक प्रसन्न मैं होऊंगा और पहले बधाई देने वाले मेरा नाम रहेगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।